नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र को लेकर के जो पूरी राजनीति हो रही थी, खासतौर से 28 दिसंबर को जो विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था, उसके बाद से अब उसे दरकिनार करते हुए विधानसभा सत्र की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 22 फरवरी 2021 से विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी है मध्य प्रदेश में। दरअसल ये बजट सत्र होगा जिसमें मध्य प्रदेश के लिए जो बजट होता है उसे इस विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। उस पर चर्चा के बाद उस बजट को पारित किया जाएगा, लागू किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से क्योंकि कोरोना काल हुआ था तो तब से ही विधानसभा सत्र टलता जा रहा था। बजट को लेकर के स्थायी विधानसभा सत्र बैठ नहीं पा रहा था और इसके चलते अनुपूरक बजट जो है वही लगातार पेश होते जा रहे थे। लेकिन अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। 22 फरवरी से शुरू होकर ये विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा, पूरे 1 महीने। जो तिथियां आई हैं उसके मुताबिक 33 दिनों का ये सत्र होगा, जिसमें से 23 दिन सदन की बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि पहले दिन जब अभिभाषण होगा राज्यपाल का, उसके बाद विधानसभा सत्र को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन शायद जो दिवंगत हो चुके हैं नेता उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सत्र स्थगित होकर अगले दिन फिर शुरू होगा। लेकिन क्योंकि विधानसभा सत्र पर राजनीति खूब होती है, बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र जो स्थगित किया गया था कोरोना को वजह बताते हुए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष को लेकर के कोई फैसला नहीं कर पा रही है, इसलिए ये कदम उठाया गया था विधानसभा सत्र को स्थगित करने का। और विपक्षी दल के जो नेता हैं उन्हें अंधेरे में रखा गया था कोरोना के जो आंकड़े हैं उसे लेकर के, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। लेकिन इन सबके बीच में अब यह तय हो गया है कि 22 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। देखना यह है कि अब ऐसे में जब देश भर में कोरोना की वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, विधानसभा सत्र अब तक जो आए थे वो कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत हो रहे थे, अब ये जो विधानसभा सत्र होगा क्या इसमें भी कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाएगा और वही एहतियात सब बरती जाएगी जैसे अभी कोरोना के दौरान बरती जा रही थी, या फिर पहले कोरोना काल से पहले जिस विधानसभा जिस गर्मजोशी से लगती थी वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी।